आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चार बहुत ही जबरदस्त से प्रोटीन रिच सैलेड्स बनाने की रेसिपी। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर आप जिम जाते हैं तो आप इस तरह के ये सैलेड्स घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चना एंड स्प्राउट सैलेड, जो कि बहुत क्विक है, साथ में ये प्रोटीन रिच होते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पहले पानी बॉईल कर लिया। जैसे ही पानी बॉईल हो जाता है इस पर एक छन्नी रख देंगे और फिर हमने इसमें चना ऐड किया है, साथ ही में मूंग स्प्राउट्स भी ऐड कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ों को मैंने रात में 8 घंटों के लिए भिगो दिया था और फिर अगले दिन इसे एक मलमल के कपड़े में बांध दिया था, जिससे कि इसके साथ स्प्राउट्स इस तरह से निकल आते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, न्यूट्रिशियस हो जाते हैं। और इसे हमने बॉईल वगैरह नहीं करना है, क्योंकि बॉईल करने से इसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। बस 5 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम किया है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे ज़्यादा वक्त के लिए भिगोया है तो ये अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, आप इसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और फिर अपने पसंद के कुछ वेजेस ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने बारीक चॉप की हुई गाजर, प्याज, खीरा ऐड किया है, साथ ही में थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े करके नारियल ऐड किया है। स्पाइस के लिए एक हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड किए और फिर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ऐड करी हूँ जीरा पाउडर, साथ ही में आधा चम्मच ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर सैलेड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप इस तरह के ये दोनों ही मसालों को जार्स में हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि हम इसे सारे सैलेड्स में यूज़ करते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना है और फिर थोड़े से हमने इसमें अनारदाने भी ऐड किए हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो सैलेड की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी हेल्दी हो जाते हैं। लास्ट में थोड़ा सा क्रंच के लिए हमने इसमें पीनट्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं वो भी आप क्रश करके ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाती है। तो देखिए हमारा ये सैलेड बनके तैयार हो चुका है, इसे सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस तरह के सैलेड्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ये रिच इन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। तो हमारा सैलेड बनके तैयार हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट सैलेड बनाने की तैयारी में, जो कि हम बना रहे हैं ओट्स एंड राजमा सैलेड। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है, तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर पैन में मैंने आधा चम्मच ऑयल लिया हुआ है, तो हम हेल्दी सैलेड बना रहे हैं इसलिए ऑयल का कम से कम यूज़ करना है। इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे, हल्का से ये क्रैकल हो जाए। और जैसे ही क्रैकल हो जाता है इसमें मैं ऐड कर लूँगी ओट्स, आधा कप मैंने ओट्स लिए हुए थे। और जिस तरह से हम उपमा बनाने के लिए सूजी को सेक लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर इसको 2 मिनट के बाद अच्छे से सेकने के बाद देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड कर लूँगी मैं 1 कप पानी, यानी कि मैंने आधा कप ओट्स लिए थे और 1 कप हम पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए इसे पका लेना है, तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लोइंग साइड पर हो जाएगा, हमें इसे थोड़ा थिक साइड पर ही रखना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सूखे सूखा ड्राई सा बनाया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है। और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाता है ओट्स को हमने एक बोल में निकाल लेना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ वेजेस। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली हुई है, प्याज, बीटरूट, आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड की है, साथ ही में इसमें आधा कप मैं ऐड करूंगी बॉईल किया हुआ राजमा। किडनी बीन्स भी बहुत ही ज़्यादा इसके हाई न्यूट्रिशन वाली होती है, इसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता है। थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हरा धनिया भी ऐड किया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इस तरह से आप ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सैलेड बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में पनीर इस तरह से क्रम्बल करके ऐड कर लूँगी, साथ ही में एप्पल के छोटे छोटे से पीसेस भी मैंने ऐड किए। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो ये एक्स्ट्रा टेस्टी भी बनता है, साथ ही में न्यूट्रिशियस भी बनता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये लीजिए हमारा ये ओट्स एंड राजमा सैलेड बन के तैयार हो गया है। निकाल लेंगे इसे, सर्व कर लेते हैं। आप इस तरह के सैलेड्स हर दिन अलग अलग सैलेड्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि कुछ डिफरेंट भी होगा और टेस्टी भी होगा। लास्ट में से गार्निशिंग के लिए हम मैंने थोड़ा सा बीटरूट, गाजर और अनारदाने ऐड किए हुए। लीजिए हमारा सैलेड बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम बनाएंगे चना एंड पनीर सैलेड। तो
ये भी बहुत ही क्विक है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इस सैलेड को बनाने के लिए मैंने जो काबुली चना आता है वो और राजमा का इस्तेमाल किया है, दोनों को मैंने आधा आधा कप भिगोने के बाद इसे बॉईल कर लिया है। साथ ही में इसमें मैं मटकी भी ऐड कर रही हूँ, जिसे भिगोने के बाद स्प्राउट्स मलमल के कपड़े में बांधकर हमने इसके स्प्राउट्स तैयार कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी वेजेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने खीरा, गाजर और पनीर के पीसेस ऐड किए हैं, हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर लेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया है, अगेन हमारे सेम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, साथ ही में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप आधा नींबू का रस स्क्वीज करके ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा इसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग में मैंने अनारदाने भी ऐड किए हैं, साथ ही में बीटरूट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा एक और मज़ेदार सा हेल्दी सैलेड बनके तैयार हो गया है, सर्व कर लेंगे। तो आप इसे अपने लंच के लिए, डिनर के लिए या फिर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट ये सैलेड्स को बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये लीजिए, हमारा सैलेड बनके तैयार हो गया है, आप भी इस तरह के सैलेड्स बनाकर खाइए, रिच इन फाइबर, विटामिन, प्रोटीन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर, तो जो कि हमारे हैं सोयाबीन सैलेड। तो सोया चंक्स को यूज़ करके हम इस सैलेड को बनाएंगे, तो अगर आप चिकन या पनीर नहीं कंज्यूम कर सकते हैं तो आप ये सोया सैलेड भी बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली होते हैं। अब ये ना थोड़े हार्ड साइड पर होते हैं, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉइलिंग वाटर, खोलता हुआ पानी इसमें ऐड कर लिया, जिससे कि अच्छे से फूल भी जाएंगे और अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, 10 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए, और जो भी एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से स्क्वीज करके हमने निकाल लेना है। सैलेड बनाने के लिए आप चाहें तो डायरेक्टली ये पूरे फुल साइज चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सैलेड में इस तरह से कट करके यूज़ करती हूँ। और फिर एक बोल में हमने लेना है आधा कप दही, दही में ऐड कर देंगे चाट मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है सारे मसालों के साथ, और फिर जो हमने चंक्स को कट करके रखा हुआ था ना, सारे सोया चंक्स इसमें ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम सोयाबीन को थोड़ा सा मैरिनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, अदरवाइज इसमें टेस्ट नहीं होता है। तो हमने इस तरह से इसे मैरिनेट कर लिया, जिससे इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं। फिर एक पैन में आधा चम्मच तेल गरम किया, और जैसे तेल गरम हो जाता है इसमें शिमला मिर्च मैं ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाना है, ताकि ये कच्चे कच्चे से ना लगे सैलेड में। थोड़ा सा प्याज भी ऐड किया है, नेक्स्ट इसमें गाजर और बीटरूट भी हम ऐड कर लेंगे, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को स्टर कर लेंगे, और बस ये हमने सॉटे कर लिया है। फिर ये सारे ही वेजीज को हमने ऐड करना है सोया चंक्स के साथ। तो इस तरह से जब आप ये सैलेड बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और प्रोटीन रिच होता है। सारी वेजेस के साथ हमने इसे मिक्स कर लिया है, और फिर इसी के साथ में थोड़े से मैं मूंग स्प्राउट्स भी ऐड कर रही हूँ, इसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। थोड़ा सा खीरा ऐड किया है, टमाटर ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस की ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अनारदाना भी ऐड किया है, हरा धनिया ऐड करेंगे, और फिर इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो ये लीजिए, हमारा ये एक और बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सा क्विक सैलेड बनके तैयार हो गया है। तो आप हर रोज़ अपनी वेट लॉस जर्नी में, जिम के बाद, जिम से पहले, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इस तरह के सैलेड्स बनाकर आप खा सकते हैं। क्विक भी है, हेल्दी भी है, हाई इन फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। तो आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ये सारे सैलेड्स में से आपको सबसे बेस्ट सैलेड कौन सा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।